आज हम सिर्फ कच्चे आलू से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाएंगे। तो जब भी आपका चाय के साथ कुछ चटपटा खाने का मन करे, इस नाश्ते को आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 4 से 5 मीडियम साइज के कच्चे आलू, 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी कटोरी कसा हुआ चीज़ और नमक स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 लिए हैं कच्चे आलू, जो कि आप देख सकते हैं मीडियम साइज के हैं। आलू को हमने छीलकर धोकर रख लिया है। तो सबसे पहले आलू को इस तरह से हम लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लेंगे। तो आप आलू को बहुत ज़्यादा पतले ना काटें, बिल्कुल इस तरह से काटें जिस तरह से हमने यहाँ पर काटे हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और आलू के साथ कॉर्नफ्लावर को अच्छे से मिला देंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक, काली मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधी कटोरी इसमें ऐड कर देंगे हम कसी हुई चीज़। सारी चीज़ों को एक साथ करके मिलाएंगे। और अभी इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और ऐड करेंगे, फिर से अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आलू के स्लाइस में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो फटाफट से अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो गैस पर हमने तेल गर्म होने रख दिया था। तो पहले आप तेल को अच्छे से एक बार गर्म कर लें, फिर गैस का फ्लेम आप लो कर दें और आलू की एक एक स्लाइस को हम कोट करके डालते जाएंगे और धीमी धीमी आंच पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। और जब ये नीचे से फ्राई हो जाए पलट देंगे और इसी तरह अलटते पलटते हुए हमें इन्हें फ्राई करना है। और जब बिल्कुल अच्छे से ये गोल्डन से ब्राउन हो जाए प्लेट पर निकाल देंगे और बाकी जो आलू के स्लाइस अभी और बचे हैं इसी तरह उन्हें भी हम फ्राई करके रख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी सा आलू का नाश्ता बनकर तैयार है। और ये जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। इसे आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत ही कम सामान में बनकर ये तैयार होता है। तो यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।